नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन खुशखबरी है कुछ बच्चों के लिए, और ये है आपके लिए वैकेंसी इंक्रीज के लिए। अब बहुत बड़ी क्यों नहीं है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए लेके मैं हमेशा आता हूँ और फिर एक बार आपके सामने आया हूँ। NTPC ग्रेजुएशन पोस्ट की बात किया जाए तो वैकेंसी हाल में निकली थी, और रेलवे का ये एक पैटर्न बन गया है कि सबसे पहले आप वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालने के बाद आप उसे इंक्रीज करो, इंक्रीज करने के बाद जोन चेंज करवाओ। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और हमें क्या हो जाएगा, हम झूठे वादे के बदौलत अपना क्या करते रहेंगे, एग्जाम डेट टालते रहेंगे। हालांकि वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोरिगंडम 2 आया है और CN 5 2024, ये जो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए आया था, अंडर ग्रेजुएट बाद में आया था, ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए 5 2024 था, अंडर 6 2024 था, और इसमें कोरिगंडम 2 आया है। और कोरिगंडम 2 क्या है, रिवीजन ऑफ वैकेंसीज। इन्होंने क्या किया है, आप यहां पे देख के थोड़ा सा जैसे ही आप ये पढ़ते हो, रिवीजन ऑफ वैकेंसीज फॉर CN 5 2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट के लिए, लेकिन जब आप आगे पढ़ते हो तो खून आपका सूख जाता है। ये मजाक शायद रेलवे हमारे साथ कर गया है। क्या किया है मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ NTPC जो आपका था, ये पब्लिश किया गया था 5 2024 में। इन्होंने क्या किया है कि जो 13 9 2024, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो PWBD कैंडिडेट थे, स्टेटरी प्रोविजन द वैकेंसीज एज पब्लिश इन एनेक्सर बी वैकेंसी टेबल ऑफ डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये दिया था पहले किसका, PWBD का, रिवाइज्ड कर दिया गया है पैरा 1.10 ऑफ CN 5 2024। तो भाई वैकेंसीज तो बढ़ी है, लेकिन ये वैकेंसी किसकी बढ़ी है, ये वैकेंसी बढ़ी है PWBD कैंडिडेट की। हालांकि किसी की भी वैकेंसी बढ़े मैं तो ये नहीं बोल सकता हूं कि नहीं, ये दुख की खबर है, ये तो खुशखबरी है किसी के लिए बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जनरल कैटेगरीज में, जनरल बच्चों के लिए अगर बात किया जाए, ओवरऑल जनरल कैटेगरी मतलब ओवरऑल बच्चों के लिए, जैसे हमारे अनरिजर्व OBC SC ST और बाकी जो हमारे कैटेगरीज हो गए, उनके लिए भी वैकेंसी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन क्या है बता दूं, इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि फॉर्म की लास्ट डेट थी फिल करने की, वो भी बढ़ा दी गई है। पहले क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्या था, 20 अक्टूबर था, और पेमेंट क्या था, 21 था। अब क्या हो गया है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो था 23/10/2024 टू 30/10/2024 हो गया है, ठीक है। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, ये जो दिया हुआ है इसमें चेंज किया गया। अब है क्या ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये तो फालतू चीज लिखते रहते हैं। आते हैं वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं, आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि जो नोटिफाइड PWBD वैकेंसीज अगेंस्ट CEN नंबर 5 2024 था, इनको क्या कर दिया गया है, अब बढ़ा दिया गया है, मतलब रिवाइज्ड वैकेंसीज ये हो गई है। पहले जो टोटल वैकेंसीज की बात किया जाए, टोटल वैकेंसीज अगर इनके बात करें 04300 का कैटेगरी का था, ये लेवल 3 लेवल 6 और लेवल 5 में बढ़ाए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, और इन्होंने इधर क्या किया है, ये वैकेंसीज अब क्या हो गई है, जो 00 थी वो 5 5 5 हो गई है और 05 हो गई है। ऐसे अजमेर का देखा जाएगा, ऐसे बेंगलुरु का देखा जाएगा, ऐसे ही सारा का देखा जाएगा। तो ये PDF मैं आप लोग को अटैच कर दूंगा, जो भी हमारे PWBD वाले भाई हैं एक बार देख लीजिएगा आपकी कहां पे वैकेंसीज बढ़ी है। तो फॉर्म भरते समय एक बार थोड़ा सा आप लोग यहां पे सजग रहिएगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब फॉर्म थोड़ा भरना है तो थोड़ा सा वेट किया करिए, अचानक से तुरंत फॉर्म ना भर दिया करिए, क्या आपका सेफ जोन है, क्या आपकी सारी कैटेगरीज। आज भी बच्चे फोन करते कि सर कहां से फॉर्म डाल दें, तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई वो वीडियो सारी मेरी देखे हैं, उस पर एनालिसिस किए हैं और एक ऑथेंटिक एनालिसिस के बाद फॉर्म भर रहे, तो इसलिए जल्दबाजी मत करिए। मैं सारी चीजें आपके पास लेके आता हूँ, हो सकता है 10 15 20 मिनट आधा घंटा लेट आता हूँ, लेकिन जो चीज लाता हूँ बहुत ऑथेंटिक लेके आता हूँ, बहुत सही लेके आता हूँ। अब रही बात किस वैकेंसी से, बाकी बच्चों को तो बहुत खुशी नहीं मिली और थोड़ा सा गुस्सा आया कि यार ये कौन सी बात हो गई, अब वैकेंसी बढ़ाए और इनकी बढ़ाए हमारी नहीं बढ़ाए, तो हमारी भी बढ़नी चाहिए, और हम इसके लिए कहीं ना कहीं एक बार प्रयास किए थे, बट वो प्रयास बहुत बड़ा नहीं था। आप में से कितने ऐसे साथी चाहते हैं कि एक बड़ा प्रयास ट्विटर कंपेन के माध्यम से किया जाए, तो वैकेंसीज हम लोग की भी जो क्या हो इंक्रीज हो, जो एक बाकी सारे जो जनरल कैटेगरीज में हैं उनकी भी वैकेंसीज क्या हो इंक्रीज हो, बाकी सारे कैटेगरीज के बच्चों की भी, तो वैकेंसी तो इंक्रीज होनी चाहिए नो डाउट। अब रही बात कि आप लोग में से कितने लोग फॉर्म भर लिए एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कितने लोग अभी भी थोड़ा वेट कर रहे हैं कि फॉर्म अभी मैं थोड़ा सा और एनालाइज कर लूँ फिर फॉर्म भरूँ। हालांकि आज आपका 5 अक्टूबर हो गया है, अब बहुत ज़्यादा लेट मत करिएगा, थोड़ा सा जल्दी मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा, और मैंने इसीलिए एक एक चीज एक एक जोन आपको बिल्कुल सही तरीके से बताया था। अभी मैं टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए थोड़ा वर्क कर रहा हूं, और टेक्नीशियन वाले बच्चों के
बिहार पे। अभी मैं इनका सेफ जोन, क्योंकि अभी इनका नया ओपन हुआ है तो टेक्नीशियन वाले बच्चों में थोड़ा सा मेरा टाइम जा रहा है ना, बहुत ज्यादा इसमें ट्रेड होते हैं तो एक एक चीज मैं करके यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि आप लोग जो भी अगर रेलवे के किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर तरीके से सारे रेलवे के बैचेस मात्र 299 कर रहे, पहले 199 था, अभी प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई गई है या और बढ़ेगी, बट अभी 299 कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बेहतर तैयारी कराई जा रही है। हालांकि वो आपकी इच्छा है, आप जुड़िए और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करिए। जो आप लोगों ने फॉर्म भर दिए, जो बच्चे अभी इधर उधर अपना टाइम बर्बाद मत करिए, वैकेंसी बढ़ेगी तो जोन चेंज करने का फिर से ऑप्शन आएगा, तो बिल्कुल निराश मत होइए कि नहीं नहीं पीडब्ल्यूडी बीडी का बढ़ा है तो हमारा नहीं बढ़ेगा, बढ़ने के फुल चांस है। एएलपी में बढ़ा है, टेक्नीशियन में बढ़ा है, अभी इसमें एनटीपीसी में देखो आप पीडब्ल्यूबीडी मतलब रिवाइज में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर हम लोग प्रेशर बनाएंगे तो निश्चित रूप से वैकेंसी बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से नहीं कुछ तो 30-35 हज़ार ओवरऑल वैकेंसी एनटीपीसी की होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कितनी वैकेंसी होनी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में है तो मुझे कमेंट करके बताएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।